दोस्त तो दुनिया में एक ही है, प्रेमी तो दुनिया में एक ही है। अगर प्रेम ही करना है तो उसी से कर लेना, नाम जिसका संतोष है, सेटिस्फैक्शन है। संतोष से बढ़कर दूसरा कोई और प्रेमी हो ही नहीं सकता। जो संतोष से अपना जीवन बिताता है वही महान है। जैसे फ्रिज हर चीज को ठंडा रखता है, वैसे ही सेटिस्फैक्शन भी हर आदमी का मनोबल बढ़ाता है। सवाल यह है कि बाहरी दुनिया में असंतोष क्यों है? लोभ जैसी बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई बड़ा पुण्य नहीं है। बहुत से लोग संतोष का अर्थ प्रयत्न नहीं करने से लगा लेते हैं, या प्रयत्न करने के बाद जो कुछ भी मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना, ऐसा सोचते हैं। बहुत से लोग संतोष की आड़ में अपनी अकर्मण्यता को छिपा लेते हैं। ये सोच रखते हैं कि जो कुछ भी मिल गया वही श्रेष्ठतम है, इससे बेहतर तो संभव ही नहीं था। कुछ लोग होते हैं जो उनका विश्वास होता है कि जीवन आइसक्रीम के समान है। उनके जीवन की फिलॉसफी ही यही है, उनके जीवन के सिद्धांत ये है कि जीवन एक आइसक्रीम के समान है, जीवन को पिघलने से पहले मौज मजा कर लो। ये लोग केवल स्वार्थ का जीवन जीते हैं, मैं मेरा किसी न किसी प्रकार से अपने भोग करो, मौज करो, सुखी रहो और खुश रहो बस। कई बार सुनते हैं कि जीवन एक मोमबत्ती की तरह होना चाहिए, जिस प्रकार से आइसक्रीम पिघलती है उसी प्रकार से मोमबत्ती भी पिघलती है। लेकिन मोमबत्ती के पिघलने के पीछे का सिद्धांत है कि पिघलने से पहले दूसरों के जीवन में प्रकाश भर दो। आइसक्रीम भी पिघलती है और मोमबत्ती भी पिघलती है, लेकिन मोमबत्ती पिघलते पिघलते दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला देती है, दूसरों के जीवन में कल्याण करती है। हमारा जीवन भी आइसक्रीम से मोमबत्ती तक का सफर होना चाहिए। इस संसार में कई मोमबत्तियां हुई हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की है, जिन्होंने अपना मौज, अपनी मस्ती, अपने सुख का विचार ना करते हुए अपना योगदान दिया है। हम में से बहुत से लोग मोमबत्ती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइसक्रीम ही रहना है। धीरे धीरे आइसक्रीम से मोमबत्ती की तरफ आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है। निश्चित रूप से जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के जीवन में कुछ योगदान देते हैं, तो इस सेवा से, इस सहायता से, इस योगदान से हमारे हृदय को संतोष प्राप्त होता है, हमारी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। यदि जीवन में सच्चा संतोष प्राप्त करना चाहते हो, यदि जीवन में सच्चे सुख का आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो भले ही छोटी मात्रा में ही क्यों ना हो, निस्वार्थ भावना से सेवा करने का प्रयत्न करो। यदि वास्तव में आप योगी बनना चाहते हो तो सर्वप्रथम उपयोगी बनो।